नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती बे। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं द मॉल ऑफ फरीदाबाद में। देखिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है। इस दिन जो है बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि सेंटा क्लॉस आएंगे रात को और उनके तकिया के नीचे गिफ्ट रख के चले जाएंगे। देखिए मॉल ऑफ फरीदाबाद में मौजूद है और बच्चों का जो आकर्षण होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्रिसमस ट्री आप देख पा रहे होंगे जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर सजाया गया है। बच्चे जो है बड़े खुश है इसको देखकर यहाँ से निकल रहे हैं तो सबसे पहले सेल्फी जरूर ले रहे हैं इसके आगे। देखिए ट्री है बहुत बड़ा और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें बैल्स बॉल्स और साथ ही लाइटिंग लगाई गई है जिससे इस ट्री की शोभा और ज्यादा बढ़ रही है। और साथ ही ये जो मॉल है जिसने बहुत कम समय में इतना सब कुछ कर लिया वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। देखेंगे यहाँ पर जो ये ट्री है इंटीरियर में लगाया गया है जिससे जो भी यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले उसकी नजर जो है ट्री पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पर बच्चे देख रहे होंगे, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बच्चों को बहुत सुंदर लग रहा है। एक बार जानते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? लवण्या। कहाँ से आए हो? हम फरीदाबाद से हैं और हम लोग अपनी दिल्ली पुलिस सोसाइटी से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ तक? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, कैसा लग रहा है ट्री? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। पहले देखा इतना लंबा ट्री? नहीं, पहली बार देख रहे हो? हाँ जी। देखिए बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को बहुत खुश हैं बच्चे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं और ट्री जो है उसका आनंद ले रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पहली बार इतना बड़ा ट्री देखा है। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है गिफ्ट्स भी रखे गए हैं और बड़ा ही सुंदर सजाया गया है जिससे इस मॉल की शोभा जो है और ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि मॉल जो है बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है और सभी जो है लुत्फ उठा रहे हैं। क्रिसमस डे आने वाला है लेकिन मॉल जो है पहले से ही सज चुका है, तैयार हो चुका है। लोगों की आवाजाही जो है वो लगातार बढ़ रही है और इंटीरियर में जो इसको लगाया गया है बड़ा ही सुंदर ट्री है। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख रहे होंगे ये दिन में इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी लाइटिंग जो है रात को कितनी रोशनी देती होगी और कितना ज्यादा सुंदर नजर आता होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ट्री के आगे खड़े होके फोटोज भी ले रहे हैं, बड़े ही मजे ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अद्विका कौशल। कहाँ से आए हो? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। ये ट्री कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है, बड़ा है, मजा आ रहा है घूम के। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही खुश हो रहे हैं ट्री को देखते हुए। इस ट्री ने मॉल की और भी ज्यादा शोभा बढ़ा दी और यहाँ पर आप भीड़ भी देख पा रहे होंगे, लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार सब लोग सेल्फी ले रहे हैं ट्री के आगे और ट्री जो है बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लाइटिंग है वो अभी से चमक रही है, सोचिए रात के टाइम कितना सुंदर लगता होगा ये ट्री। और देखिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं ट्री के आगे। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं कभी कभार ही मौका मिलता है और ऐसी चीजें देखते तो और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, अगर आकर्षण का केंद्र देखा जाए इस वक्त तो ये ट्री है जो कि इतना बड़ा ट्री। सब लोग खुश हैं कि इतना बड़ा ट्री हमें यहाँ पर देखने को मिला, सब लोग जो है सेल्फी लेकर आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अक्षता। कहाँ से आए हो? सेक्टर 23 से फरीदाबाद से हूँ। स्कूल की ड्रेस में आए हो? हाँ, तो अभी अभी स्कूल में कार्निवल था क्रिसमस से तो वहीं से आए हैं। अच्छा, ट्री कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब पहली बार इस ऐसे मॉलों में देखा है। पहली बार देखा है इतना बड़ा ट्री है? ऐसे लोग छोटे छोटे बनाते हैं क्रिसमस में, तो बहुत कम लोग बनाते हैं, पहली बार इतना बड़ा देखा है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है इतना ज्यादा, मतलब बहुत कम लोग बनाते हैं इतना क्रिसमस पे, तो काफी अच्छा लग रहा है। इन गिफ्ट भी रख रखे हैं, सजा रखा है, तो काफी शोभा बढ़ रही है मॉल की। हाँ, इतने सारे ब्रांड्स भी हैं, एकदम बीच में सेंटर में लगा रखा है ताकि सब देख पाए, तो इवन टूरिस्ट प्लेस टाइप का हो, तो अच्छा लग रहा है।